बीजीएमआई परमानेंट बैन होने वाला है या वापस आएगा भी, सब कुछ करें बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट तरफ से क्या एक यहाँ पे लीक आया है कि गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया बीजीएमआई को। तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है कि चाइनीज बोल सकते हो चाइनीज सर्वर के पास या फिर जो हम लोग का सिक्योरिटी है, जो भी डेटा है वो जा रहा था, ये यहाँ पे लीक हुआ एक न्यूज़ 18 के द्वारा। मतलब आप लोग को पता है न्यूज़ 18 आप लोग सुने होंगे, तो वहाँ पे कोई बंदा ने यहाँ पे ये लीक कर दिया है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द एनालिसिस ऑल्सो शो दैट दिस एप्लीकेशन हैज मॉलिक्यूलर कोड एंड ऑल्सो एक्वायर ए होस्ट ऑफ क्रिटिकल परमिशंस विच कुड बी मिसयूज फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग यूजर डेटा फॉर सर्विलियंस थ्रू कैमरा माइक्रोफोन लोकेशन ट्रैकिंग एंड मॉलिक्यूलर नेटवर्क एक्टिविटीज। तो भाई यहाँ पे जो भी हम लोग का गेम में हम लोग खेलते हैं, जो भी हम लोग का डेटा है, जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, सब यहाँ पे दूसरे कंट्री में जा रहे हैं जो कि चाइना के पास जा रहा है। तो भाई आप लोगों को पता है पबजी को बैन किया गया था इसी कारण, और भाई यहाँ पे बहुत सारा बाकी ऐप्स को भी बैन किया गया था इसी कारण, क्योंकि यहाँ पे चाइना के पास हम लोग का डेटा जा रहा था। अब ये चीज़ तो यहाँ पे भाई लीक हुआ है, अब ये कन्फर्म कितना है वो तो नहीं पता, बट एक और चीज़ लीक हुआ है जो कि भाई बहुत ही गजब का न्यूज़ है। तो यहाँ पे भाई जो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, एक शिवम रेड्डी जो कि को फाउंडर है स्काई स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने यहाँ पे एक और स्टोरी लगाया, देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है इट वाजंट एन इमीडिएट एक्शन, इट वाज इन प्रोग्रेस फॉर ऑलमोस्ट 5 मंथ। ये बात कर रहे हैं बैन के बारे में, तो ये जो बैन हुआ है, जो रिमूव हुआ है ऐप से, तो ये 5 महीना से ही यहाँ पे ये चल रहा था, ये लोग को बताया गया था। और देख सकते हो इनफैक्ट 1 वीक बिफोर रिमूविंग द गेम फ्रॉम प्ले स्टोर एन इंटर्न्स नोटिस वाज सेंट टू द क्राफ्ट ऑन एचक्यू बाय द गवर्नमेंट। तो इससे भाई एक चीज़ कंफर्म होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी 1 वीक पहले ही क्राफ्टन को बता दी थी, तो वो लोग भाई पहले से ही काम चालू कर दिए थे। 2 डेज बिफोर द गेम वॉज रिमूव फ्रॉम द स्टोर वी गॉट एन हिंट डैट्स वाई स्टॉप्ड मोस्ट ऑफ द एडवांस अमाउंट टू बी पेड फॉर, जो हम लोग का लैनून होता है उसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए वो लोग पहले ही रोक दिए थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस टिकटॉक इज ऑल सेट टू मेक ए कम बैक, इन दैट केस बीजीएमआई विल बैक 100%। तो भाई यहाँ पे कुछ सोर्सेस है जिन्होंने बताया कि जो टिकटॉक बैन हुआ था आप लोगों को पता है, तो वो भी वापस से आने वाला है। अब वो कैसे आएगा वो तो नहीं मतलब हम लोगों को, लेकिन अगर वो होता है तो भाई ऑब्वियसली बीजीएमआई 100% आ जाएगा। और आगे है होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल देयर विल बी इंडिपेंडेंस सून। तो मैंने कैसे आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों को गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया क्राफ्टन को, मतलब वो लोग को टाइम दिया 14 दिन का, तो वो कैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगा वो हम लोग को 15 अगस्त के पहले ही मिल जाएगा, जो भी यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाला है। और बहुत ही ज़्यादा चांस हो रहा है यहाँ पे कैसे परमानेंट बैन का चांस थोड़ा कम है, बट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, परमानेंट बैन भी हो सकता है या फिर हम लोग को वापस भी मिल सकता है। बट जिस तरह यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे लीक हो रहा है कि यहाँ पे क्राफ्टन को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पे ऐप रिमूव होगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, बहुत कुछ सबमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे चांसेस तो है कि बीजीएमआई वापस आ जाएगा। और कुछ लोग बता रहे कि इंटरनेशनल जो हम लोग का होता था मैच मेकिंग जो हम लोग का हर एक कंट्री का, वैसा कुछ भी हो सकता है, बट उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। तो देखते यार क्या होता है भाई, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और अभी के लिए कैसे यहाँ पे परमानेंट बैन होगा या नहीं होगा ये किसी को भी नहीं पता है, या फिर अनबैन होगा, तो भाई यहाँ पे बस थोड़ा वेट करो। बहुत सारे लोग हिंट दे रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर भी हिंट दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो आ जाएगा। जैसे कैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, बहुत सारे क्रिएटर जैसे कि डायनोमो अंतर्यामी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर, तो वो लोग को पता है कि क्या क्या हो सकता है। खैर चलो यार यहाँ पे आज किस वीडियो में जो जो बताना था कि ये सब लीक्स आया है जैसे मैंने आपको दिखाया शिवम रेड्डी का, और जो गवर्नमेंट का जो नोटिस आया कि क्यों बैन किया गया था, हम लोग का डेटा जा रहा था, अगर डेटा जा रहा है तो भाई वो लोग तो पक्का बैन करेंगे। तो देखते यार अब जल्दी ही कुछ अगर न्यूज़ आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो चैनल से बने रहना। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।